बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सारा दिन जो है ना व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इशाल की वजह से ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इशाल की जो अपॉइंटमेंट है वो कल सुबह मॉर्निंग की मिली है, 11 से 4 बजे के दरमियान में मैंने उसको लेकर जाना है, और उसके बाद देखें कि डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट वगैरह लिख के देंगे। तो टेस्ट लिखने के बाद टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है, टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना इस चीज़ को लेके कि पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले सुना था इसके बारे में कि कोई नर्व दबी हुई होती है, कोई खून की ब्लॉकेज होती है। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि ऐसा कोई मसला हो छोटी सी बच्ची के साथ। अभी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है, फिर जाहिर सी बात है अगर उसका इलाज ना किया गया तो कोई ये चीज़ जो है कहीं ना वर्स ना बन जाए। तो मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इशाल के लिए बहुत सारी दुआ करें कि कल डॉक्टर जो है उसको पॉजिटिव वे में जो है वो आंसर होना चाहिए, कि इशाल को जो है वो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और फिर जो भी डॉक्टर मतलब बात करेगा, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं कर पाई, छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तबीयत भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और रूटीन जो है वो ऑलरेडी आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा बिजी होती है। तो इतना लंबा व्लॉग आज, इवन काफ़ी कुछ था दिखाने के लिए लेकिन शूट करने की हिम्मत जो थी ना वो मुझ में नहीं थी। आज साथ देने आप लोगों ने, आप लोगों के साथ दिए बगैर जो है ना हिम्मत नहीं आती है। और अगर मम्मा होती ना तो मम्मा भी शाल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मम्मा मुझको इनक्रेज करती कि तुमने इस सारी चीज़ों का जो है ना वो मुकाबला करना है। तो बड़ा इंसान अपने आप को अकेला अकेला महसूस करता है जब आप इतनी बड़ी हस्ती आपके सामने मौजूद ना हो, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हों जिनको आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आज हम लोगों ने शलजम गोश्त बनाया, साथ में राइस बनाया। राइस मैं डाल रही थी हाशिर और इशाल के लिए कि ये दोनों जो है ना ये खा लें, लेकिन डाल तो लिए मैंने लेकिन ना हाशिर ने खाए ना इशाल ने खाए। और उसके साथ साथ जो है ना वो बड़ा शौक़ से आए मेरे पास बैठने के लिए कि देखो यहाँ पर ना मम्मा खाना लेके आई हैं। लेकिन जब बच्चे का दिल नहीं कर रहा होता ना खाने को, तो फिर उसके सामने कोई भी आप चीज़ रख लो ना तो वो नहीं खाता। लेकिन उसकी फेवरेट जो थी ना वो आगे मैंने उसको बना के दिया। अच्छा, साथ साथ जो है वो मैं मूवी भी इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। और ये इन बच्चों ने चावल तो खाए नहीं है, बहरहाल गिरा ज़रूर दिए और बुखेर ज़रूर दिए। तो यहाँ पर मैं उठ के जो है मैं इनकी फेवरेट चीज़ बनाने लगी, वो है जी नूडल्स। क्योंकि जब बच्चे जो है ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ना, तो फिर जो है ना माएँ उनको यही बना के देती है, कम अज़ कम कुछ भी ना खाओ तो कम अज़ कम नूडल तो खा लो। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट जो है नूडल्स के रेडी किए, और मुझे पता था एक नमूना इसके अंदर से ना फिर भी छोड़ देगा। तो बहरहाल मैंने जो है ये जो है उसके ऊपर रखा था कि जल्दी जल्दी से ना जो है ये नूडल्स रेडी हो जाएं। क्या देखना है? ये देखना है मेरी गोद में चढ़ा हुआ है कि नूडल जो है ना वो कितनी जल्दी जो है ना रेडी हो जाएंगी। और सामने इसको बड़ा अट्रैक्टिव से लाइट्स नजर आ रही है, तो इसके साथ ये ना प्ले करना शुरू हो गया कि ये कौन सा बटन। अब उसको ये समझ में आ रहा था कि ये टच सिस्टम है, लेकिन ये टच सिस्टम नहीं था ऑब्वियसली, कि ये बटन वगैरह का सिस्टम था। तो यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा था कि किसको जो है ना वो प्रेस करना है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि भाई इस चीज़ को जो है ना वो प्रेस करना। बाद बच्चे जो है ना वो जो कुदरती तौर पर बड़े जो है ना जहीन होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, मतलब इन चीज़ों के ऊपर ना बड़ी अट्रैक्ट करते हैं, जो खास तौर पे जो है ना लड़के होते हैं तो बड़े होके माशाल्लाह वो इंजीनियर ये वो सब कुछ जो है ना वो बनते हैं, क्योंकि उनका शौक होता है बचपन से सारा कुछ लाइफ या वो जारों की तरफ। ये भी हाशिर भी बिल्कुल ऐसे जार लेके बैठ जाएगा, टूटी तार ही लेके बैठ जाएगा। विशाल बस कर दो, सफाई हुई हुई है, छोड़ दो। विशाल राइट हैंड से यूज करो, राइट हैंड से पकड़ो वाइपर, राइट हैंड से। विशाल इसको देखें जरा, लो लो। ओहो इशाल, इशाल नहीं छोड़ो मेरा दुपट्टा, छोड़ दो। ये देखें ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दो। ये लो ये देखें सर, इसका वो तीसरी की भी आने की देर है, बस बस अगी चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, छोड़ दो। तीनों की नूडल्स रेडी हो गई, तीनों की नूडल्स रेडी हो गई। ये अब कौन कौन खाएगा? उशार, 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 हाशिर, हाशिर, चलो अभी उशार, उशार, चलो।
ये क्या कर रही हो शाल? हॉट हॉट क्या कर रही हो शाल? आप इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बेटा ये ऐसे ठंडे नहीं होंगे। आप सारी ये देखो, आपने पहले वो राइस को इतना ज्यादा गन डाला है तो इतना ज्यादा हॉट है। वेट करो, अभी तो लेके आई हूँ मैं। ये देखा, बच्चे जरा भी वेट नहीं करती है इन इन चक्रों में कि नूडल्स को हम थोड़ा थोड़ी देर के लिए ठंडा होने उसके बाद जो है ना हम कहिए, देखिए गरम 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 नूडल्स को ना ये सिप कर रही है। और इतनी अभी मैं इसको अभी लेकर आई हूँ मैं इस लड़की से ना, बिल्कुल भी ना वो नहीं हो रहा, इंतज़ार नहीं हो रहा आपसे थोड़ा सा भी कि थोड़ा सा ठंडा कर लें आप। अब हाशिर भी खाएगा, हाशिर भी खाएगा ना, हाँ हाशिर भी खाएगा, आज भी खाएगा अभी, लेकिन हाशिर तब खाएगा जब नूडल्स ठंडी हो जाएगी। यम्मी, बच्चों की फेवरेट नूडल्स। उफ शाल, बस कर दो, ठंडा हो जाने दो। शाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है नूडल्स देख के। चलो आओ खजी खाएं, आओ जी खाना। यहाँ पर बच्चों ने सारे नूडल्स जो है ना अपने फिनिश कर लिए, और अब ये बर्तन जो है मैं वॉश करने लगी हूँ, और उसके बाद जो है सोने का टाइम हो गया है, और बच्चों को मैं जो है वो सुलाने जाऊँगी रूम में। इससे पहले यहाँ पे जितना भी गंद पड़ा हुआ ना वो सारा साफ़ करने के बाद बच्चों को मैं लेके जाऊँगी कमरे में, और उसके बाद जो है वो कल संडे है, सुबह मॉर्निंग में मैंने इशाल के डॉक्टर के पास जाना है। दुआ कीजिएगा कि डॉक्टर कोई अच्छा ही जो है रिस्पॉन्स दे। तो फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने जो मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।